हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान साधना ई लर्निंग ऑनलाइन क्लास। लास्ट टाइम इन फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट इन बायोलॉजी, ओके। एंड देन इन सेकंड वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस, इन सेकंड वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ओके, द प्योर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। ये सारी ब्रांचेस के हमें देखना है कि अगेन देर आर सो मेनी फील्ड्स इन विच यू कैन डू योर करियर। सो जैसे सब लोगों को पता है कि नीट के बाद सब लोगों का सपना है कि डॉक्टर बनना, बट देर आर सो मेनी स्पेशलिस्ट एंड डॉक्टर्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माय, ओके। तो चलिए आज हम इन सब ब्रांच के बारे में, तो मैंने आपको बताया था, आज हम इस एक एक ब्रांच के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की जिसका नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बहुत से स्टूडेंट इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स के जैसा पढ़ते हैं, तो फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, हाउ बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस। सो इन मराठी वी कॉल दिस ब्रांच एज एन शरीर क्रिया शास्त्र, ओके। शरीर क्रिया शास्त्र अगर एनिमल से है तो एनिमल फिजियोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीक में फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है नेचर एंड लॉगस का मतलब स्टडी, सब लोगों को पता है। पर अगर एनिमल से रिलेटेड जितने भी बॉडी फंक्शंस है जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, मतलब जो मेन मेडिकल की जो ब्रांच है जिसका बेस है वो कौन सी ब्रांच है, फिजियोलॉजी। नर्वस कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, न्यूरोलॉजी, ये उसी के अंडर हेडिंग में आते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट से रिलेटेड सारे फंक्शंस आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या आ सकता है कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है, ओके, प्लांट हार्मोन्स या फिर फोटोसिंथेसिस, ये जितने भी प्लांट से रिलेटेड फंक्शंस है, प्लांट ग्रोथ हाउ टेक्स प्लेस, सो दैट अंडर द हेडिंग ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और फिर एक जो पेपर सेकंड में आता है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, तो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है एनिमल फिजियोलॉजी, जिस यूनिट के अंदर आप लोगों को सारे के सारे जो फंक्शंस है बॉडी के वो स्टडी करने, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, लाइक दैट, ओके। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, हमें आगे देखना है इसके एक एक चैप्टर के ऊपर डिटेल में, ठीक है। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स इन योर फील्ड, नीट से रिलेटेड जो भी फील्ड्स डॉक्टर्स है हम जो आप चूज कर सकते हैं एज योर करियर। कार्डियोलॉजी सब लोगों को पता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट का चलन है आजकल, क्योंकि बहुत से लोगों का हार्ट की बीमारियाँ होती है और कार्डिया का मीनिंग ही होता है हार्ट, ये वर्ड याद रखो, कार्डिया का हमेशा मीनिंग क्या होता है, हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट जिसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स, हार्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, हार्ट सर्जरी, हार्ट सर्जन, कार्डियो सर्जन इसके अंदर आते हैं। देन ईएनटी स्पेशलिस्ट, सब लोगों को पता है कि कान नाक घसा तज्ञ, ज्याला मराठीत म्हणते आपण इयर नोज एंड थ्रोट, ये सारे अगर हम देखेंगे तो इस रीजन में फेरिंग्स के पास सबका एक जैसे कनेक्शन है, तो इसके लिए एक स्पेशलिस्ट होते हैं ईएनटी। यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखना है, ओटो लैरिंगोलॉजिस्ट ऑल्सो नोन एज, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ओटो लैरिंगोलॉजिस्ट, ओटो लैरिंगोलॉजिस्ट। देखो ओटो का मतलब कान के अंदर जो हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन होता है एम्पिला के अंदर, तो ओटोलीथ जैसे बहुत से एनिमल्स के अंदर हमने देखा था बैलेंसिंग ऑर्गन होता है कान। लैरिंग्स ज्यादा मराठी तापन का मन तो घसा, कान नाक आनी घसा तज्ञ, ठीक है। सो ईएनटी स्पेशलिस्ट ये याद रखो, बहुत अच्छी ब्रांच है आप लोगों को चूज़ करने के लिए। डेंटिस्ट ऑब्वियसली सब लोगों को पता है, तो डेंटिस्ट मतलब जो बीडीएस अगर आप करियर करना चाहते हो, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जन, दांतांचे डॉक्टर मराठी म्हणतो, तो ओरल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, तो जितने भी है ओरल टीथ, टंग, गम्स, तो ये सारे प्रॉब्लम्स बीडीएस वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है। आजकल इनका भी बहुत चलन हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग अपने जो दांत की जो ब्यूटी है बढ़ाने के लिए इनके पास जाते हैं, और देर आर सो मेनी मॉडर्न टेक्निक्स इन डेंटिस्ट। देन पल्मोनोलॉजिस्ट,
सब लोगों को पता है आजकल कोरोना चल रहा है, तो वायरस जो है जो इस रीजन से अगर थ्रोट से अगर लंग्स में चला जाता है तो लंग्स को इन्फेक्शन करता है, निमोनिया वगैरह सब लोगों को पता है, ठीक है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं लंग स्पेशलिस्ट, ओके फुफ्फुस, तो लंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, लंग कैंसर वगैरह, सिगरेट स्मोकर्स सब लोगों को पता है। कान से रिलेटेड है तो ऑडियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है भूल तज्ञ मराठी त्याला म्हणते आपण, मतलब भूल तज्ञ मराठी में थोड़ा सा भूल तज्ञ, ओके। इनका काम क्या होता है, सर्जरी करते वक्त अगर पेशेंट को अगर वो अवेक रहेगा तो वो घबरा जाएगा ब्लड देखकर और उसको दर्द होगा तो सर्जरी नहीं कर पाएंगे डॉक्टर। तब जब तक सर्जरी चलती रहती है इनको नींद में रखने का काम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी आज सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, चाहे किसी भी सर्जरी हो, बड़ी मेजर सर्जरी हो, तो इनका मतलब इनके सिवा नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्रांच है और यहाँ पे आप स्पेशलिस्ट करियर कर सकते हो। देन न्यूरोलॉजिस्ट, क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, नर्वस डिसऑर्डर्स जैसे कि पैरालिसिस वगैरह होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिस्ट सॉल्व करते हैं ब्रेन से रिलेटेड। डेंटिस्ट अभी मैंने आपको बताया था। देन गायनेकोलॉजिस्ट, ये गर्ल्स के लिए सब स्पेशली ब्रांच है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए है, तो जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं पर जनरली जितने भी गर्ल्स है तो गायनेकोलॉजिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आजकल हर जो प्रेग्नेंट होते हैं गर्ल्स, आजकल जितने भी जो वुमेंस प्रेग्नेंट होती है तो उनको सेफ सर्जरी करने के लिए या फिर डिलीवरी करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी ही पड़ती है। व्हाट यू कॉल इन मराठी स्त्री रोग तज्ञ, ये भी बहुत ठीक है। गायनेकोलॉजी जितने भी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट एवर इट मे बी, सो दे आर सॉल्व बाय दिस गायनेकोलॉजिस्ट। देन माइक्रोबायोलॉजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल, इसका भी पहले भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप था, आज भी है, क्योंकि जितने भी जो माइक्रोब्स होते हैं जिनके कारण हमें डिसीजेस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वायरस, तो इनका स्टडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट कर सकते हैं, वैक्सीन बनाना या फिर माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च करना माइक्रोब्स के ऊपर, ठीक है। तो आप मास्टर ऑफ साइंस बीएससी के बाद कर सकते हो और या फिर बाद में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाकर साइंटिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। माइक्रोब्स बैक्टीरिया वायरस सबका स्टडी करना पड़ता है आप लोगों को। न्यूरोलॉजिस्ट अभी मैंने आपको बताया था, पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, ब्रेन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले डॉक्टर जो होते हैं आजकल, न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सब लोगों को पता है कि आई से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आई सर्जन, आई रिलेटेड डोळ्यांचे डॉक्टर। देन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जैसे फ्रैक्चर वगैरह होता है बोन्स का, तो ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। अगर समझो बोन्स की जो प्रॉपर पोजीशन देखना, ऑस्टियोपोरोसिस जितने भी है बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिस्ट सॉल्व करते हैं, अस्थि रोग तज्ञ इन मराठी। देन पैथोलॉजिस्ट, अब सब लोगों को पता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं जिनका स्टडी पैथोलॉजिस्ट करते हैं, और पैथोलॉजिस्ट का काम पैथोजेंस, तो पैथोजेंस मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोब्स वगैरह, तो इससे रिलेटेड जो ब्रांच है पैथोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। देन प्लास्टिक सर्जन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से मॉडल्स है, एक्ट्रेस है, अपना चेहरा बदलते हैं, नोज़ की पोजीशन वगैरह, स्किन चेंज करते हैं चेहरे की, तो प्लास्टिक सर्जन का भी बहुत डिमांड है आजकल, ओके। तो मतलब पूरी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आजकल आप स्किन, माइकल जैक्सन आपने देखा होगा, बहुत से एक्ट्रेस है मॉडल्स है, तो चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, म्हणजे चेहऱ्याचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी। पर हाँ, अगर इसमें ओके, देन रेडियोलॉजिस्ट, जैसे एक्सरे वगैरह होते, सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह डायग्नोसिस करना और डॉक्टर्स को सजेस्ट करना क्या हो गया है प्रॉब्लम वगैरह, ऑल्सो हैविंग गुड डिमांड रेडियोलॉजिस्ट।
देन पेडियाट्रिशियन व्हाट वी कॉल इन मराठी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग तज्ञ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट मराठी त्याला आपण काय म्हणते बाल रोग तज्ञ। ओके ये भी आप लोगों को सब लोगों को पता है। देन सर्जन, ये तो सब लोगों को पता है कि कोई भी मेजर माइनर सर्जरी हो तो सर्जन लगते ही है, चाहे वो ब्रेन सर्जरी हो हार्ट सर्जरी हो, सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको पूरी बॉडी के एनाटॉमी फिजियोलॉजी टिश्यू बॉडी के ऑर्गन्स, जैसे का हार्ट सर्जरी ब्रेन सर्जरी सर्जन्स। आपने वो फिल्म देखी होगी कबीर सिंह जिसके अंदर वो सर्जन होता है, तो बेस्ट है स्पेशली चैलेंजिंग है जिन लोगों को डर नहीं लगता खून वगैरह देखकर उनके लिए। जो लोग एनिमल्स लवर्स है पेट एनिमल्स है तो उनके ट्रीटमेंट करने के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं। ओके किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट सॉल्व करते हैं, रीनल प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम इनको भी बहुत डिमांड रहती है हमेशा। देन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जैसे कि अगर बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स है थायराइड ग्लैंड है ठीक है पिट्यूटरी ग्लैंड है पैंक्रियाज है, तो ग्लैंड का काम क्या है हार्मोन सिक्रीशन करना। अगर आप लोगों ने थायराइड के बारे में बहुत सुना होगा ठीक है, तो वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो आपको हार्मोन ट्रीटमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो ये भी बहुत डिमांडिंग ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। देन एपिडेमियोलॉजिस्ट, अभी सब लोगों को पता है कोरोना चल रहा है एपिडेमिक, तो जो माइक्रोब्स होते हैं जिसके कारण एपिडेमिक डिसीजेस आते हैं तो उसके कॉज ढूंढना और उसके ऊपर प्रिवेंशन क्योर करना ये सब एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं। देन जनरल साइकेट्रिस्ट, सब लोगों को पता है साइकेट्रिक्स स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस, ज्यादा अपन हम तो मान इन मराठी वी कॉल एज एन ओके मराठी में तो पता नहीं क्या बोलते, तो साइकियाट्रिक्स ये भी सब लोगों को पता है मेंटल इलनेस सिज़ोफ्रेनिया डिमेंशिया अल्जाइमर्स एंजाइटी ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देन गायनेकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत डिमांडिंग ब्रांच है स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो कि एक होमवर्क करो कि जितने भी और स्पेशलिस्ट ब्रांचेस है मेडिकल से रिलेटेड या फिर जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड उन सारे ब्रांचेस की लिस्ट बनाओ और एज अ होमवर्क कंप्लीट कर दो ठीक है। तो हियर वी स्टॉप एंड इन नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी।